पुणे सिनेमा जगत के पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक गिने जाते हैं गोविंदा, जिन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया। तो वहीं जब भी गोविंदा डांस करते हैं तो उनके एक्सप्रेशन देखकर हर कोई उनके डांस का फैन भी हो जाता है। गोविंदा ने बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों से लेकर एक्शन फिल्में भी की हैं और करोड़ों के दिलों पर राज भी किया है। 90 के दशक में गोविंदा का बेहद ही बोलबाला था जब उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, और तब से लेकर अब तक गोविंदा का चार्म बेहद ही बरकरार दिखा है। ऐसे में आपको बता दें, गोविंदा का चेहरा देखने के बाद उन्हें चॉकलेटी बॉय कहा जाने लगा था। उनका हर एक अंदाज लोगों के दिलों को छू लेता था। गोविंदा के बारे में अगर बात की जाए तो गोविंदा के पिता 40 के दशक में एक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने करीबन 30 से 40 फिल्मों में काम किया था और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में गाने भी गाए थे। गोविंदा के पिता को एक फिल्म के चलते काफी लॉस हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा और फिर विरार में आकर बस गए। इसलिए गोविंदा को विरार का छोरा भी कहा जाता है। गोविंदा की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो गोविंदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएट कंप्लीट की है और उसके बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। और फिर 80 के दशक में गोविंदा ने एक विज्ञापन किया और उस विज्ञापन ने गोविंदा की जिंदगी ही बदल कर रख दी। दरअसल आपको बता दें, एल्विन नाम की एक कंपनी का विज्ञापन गोविंदा को ही मिला था, जिसके बाद गोविंदा को फिल्म तन बदन में लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। और इसके बाद गोविंदा ने फिल्म की लव 86 देखा जाए तो ये फिल्म हिट रही। तो वहीं गोविंदा शानदार तरीके से द आंटी नंबर वन बॉलीवुड के एंटरटेन नंबर वन यानी कि गोविंदा बन गए और लोगों के दिलों पर राज करते हुए नजर आए। गोविंदा ने हर किरदार को बखूबी निभाया और फैंस ने उनको भरपूर प्यार भी दिया। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब गोविंदा ने एक राज को छिपा कर रखा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोविंदा के स्टाइल स्टेटमेंट को हर कोई पसंद करता था। अपने दौर में गोविंदा ने जितनी भी फिल्में की और उनका स्टाइल स्टेटमेंट बेहद ही अलग रहा था। अपनी कॉमेडी टाइमिंग, पंच लाइन, डांस हर किसी को दीवाना कर जाते थे इन सब के जरिए। वहीं गोविंदा ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट को इतना फेमस कर दिया कि हर कोई उनका फैन बन जाया करता था। लेकिन अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो उन्होंने सुनीता से शादी की। शादी का एक साल हो गया और करीबन एक साल तक उन्होंने किसी को नहीं बताया शादी के बारे में, क्योंकि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। और इस तरीके से गोविंदा ने शादी को लेकर ये बात छिपा रखी थी। अपने एक्टिंग करियर के लिए गोविंदा ने अपनी शादी की बात करीबन एक साल तक छिपा रखी थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो गोविंदा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद ही खुश हैं और आप सभी को कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए एंटरटेन भी किया है। वेल, आपको गोविंदा कैसे लगते हैं ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।